अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज भी ना प्रॉपर ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी असर का टाइम था तो घर में बस हर तरफ खिलारा ही खिलारा, तो ये पर्दे जाना ये मैंने कहा मैं धो दूँ। आज बच्चों के बैग्स भी थे, अब उसका हेयर 9 में चली गई थी, उसका 8 का बैग अब मैंने कहा धो के रख दूँ। वैस भी आया हुआ है, उसका भी बैग जो है ना वो मैंने धोने के लिए रखा हुआ है। और अभी बस इन पर्दों का मैं सोच रही हूँ किधर फैलाऊँ, क्योंकि मौसम भी ख़राब था और बस आंधी आने वाली थी। ये सारी चीज़ें मैंने टेबल पे फैलाई हुई थी, क्योंकि जो डिब्बे हैं ना मैंने कहा इनको भी धो ही देती हूँ, इनको धो के ना खुश कर लिया, अब सारी चीज़ों को साफ़ करके इसमें रख लूँगी। और मेरा हर रोज़ दिल करता है कि मैं जो है ना पूरा एक ब्लॉग बनाऊँ और शेयर करूँ, लेकिन कुछ काम इतने ज़्यादा हैं, कुछ मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि नहीं टाइम मिल रहा। अब उस वक्त मैंने बोला कि इन सारी चीज़ों को जो है ना कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करके इन डिब्बों में रखते। सेहन में भी बस कुछ इसी तरह का हाल है कि किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। पहले तो बिल्कुल भी बता नहीं चाह रहा था कि कौन सी चीज़ मैंने किधर रखी हुई है, क्योंकि पेंट वगैरह हो रहा है तो ज़ाहिर सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल के ना, तो ये बड़ी चारपाई का बड़ा फ़ायदा है कि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी। चूल्हा भी धोया है इसको, इंशाल्लाह सुबह मैं किचन में फिट करूँगी। तो फाइनली दिन के एंड पे ना मुझे टाइम मिला कि मैं सर पे थोड़ा सा तेल लगा लूँ, कि एक हफ्ता हो गया तकरीबन मैंने सर में कंघी भी नहीं की हुई। और किचन की जो कपटे हैं ना अंदर को पेंट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा उसको मैं पेंट कर लूँ तो ये हाथ थोड़े से गंदे हो गए। सुबह दिखाऊंगी मैं कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको। पर्दे धो के मैंने इसी पे चारपाई पे रख के ना अंदर रख दिए थे कि बाहर इन पे धूल मट्टी पड़ जानी, क्योंकि बाहर चल रही थी आंधी। मेरा जैसे ये सारा खलारा छलारा सा समेटा जाता ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह प्रॉपर व्लॉग जो है ना वो बनाया करूँगी। उसका भी जो है ना उसने यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया जब से स्कूल से आई हुई है, और ये इतने ज़्यादा मेरे बाल झड़ गए हैं ना कि